वरना मम्मी के पास नहीं सीधा ऊपर वाले के पास भेज दूंगा। अब तक तो ये खबर सारे न्यूज चैनल्स पर होगी। यही टाइम है पुलिस कमिश्नर से बात करने का। सॉरी, मुझे जल्द से जल्द उन मासूम बच्चों की जान बचानी चाहिए। नहीं, ये कार्य अब तुम्हारा नहीं है। मैंने विवान और परियों को भेज दिया है उन बच्चों की सहायता करने के लिए। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही मकसद पर लगा होना चाहिए, और वो है तिमनासा को जल्द से जल्द खत्म करना। उस छुपी शक्ति तक पहुंचने के रास्ते में तुम कितना आगे बढ़ पाए हो? शौरी, पहली पहेली सुलझाने के बाद मुझे बरगद के पेड़ की जड़ों के पास एक डिब्बी मिली। जो खुद एक पहेली के रूप में थी, लेकिन वो पहेली बहुत ही कठिन है। क्या आप उसे सुलझाने में मेरी मदद करेंगे? दरअसल नहीं बालवीर, क्योंकि इस पहेली को जिसने भी बनाया है उसका मकसद ही है कि उस छुपी शक्ति तक सिर्फ कोई योग्य व्यक्ति ही पहुंच सके। योग्य व्यक्ति? यानी ये सारी पहेलियां एक परीक्षा है? हाँ, भाग्य ने तुम्हें ही इस काम के लिए चुना है, और इस जिम्मेदारी में खरा उतरना होगा। इसलिए इस पहेली को तुम्हें अकेले ही सुलझाना होगा बालवीर। ठीक है शौर, लेकिन आखिर इस पहेलियों के माया जल को बनाया किसने? इस सवाल के ऊपर से तो पर्दा तभी उठेगा जब तुम पहेलियों के इस माया जाल को पार कर लोगे बालवीर। कमिश्नर, हमारी शर्तें बहुत सिंपल हैं। तुम हमारे कमांडर को आजाद करो, हम तुम्हारे बच्चों को आजाद कर देंगे। और अगर तुम्हें हमारी शर्तें मंजूर नहीं है तो चंदन की 30 मालाएं तैयार कर लो इन बच्चों की फोटो पर टांगने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी फोटो पे चंदन की माला नहीं चढ़वानी। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चढ़वानी। तो तुम बाहर जाना चाहते हो? ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर तुम इस जंगल के जानवरों का लंच बनना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। सॉरी अंकल, एक्चुअली जब मैं टेंशन में होता हूँ ना तो मेरा जॉगिंग करने का मन होता है। वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम टेंशन बहुत ही कम लेते हो। चलो अंदर। सॉरी, जा रहा हूँ। ये जरूरत लगता है इन बच्चों के सामने तेरी मिसाल देनी पड़ेगी, ताकि इन्हें भी पता लगे कि ओवर स्मार्ट लोगों का क्या होता है। वो रही स्कूल बस, बस के आसपास 4 टेररिस्ट हैं। लेकिन हमें वहां जाने से पहले ये बात कंफर्म करनी होगी कि कहीं उन टेररिस्ट की शादी आसपास जंगल में तो नहीं फैले हुए। हाँ विवान, मैं अभी जाकर पता लगा कर आती हूँ। लेकिन विवान, हमें इन आतंकवादी से घबराने की क्या जरूरत है? उनके पास केवल हथियार है और हमारे पास जादुई शक्तियाँ। हम एक चुटकी में इन्हें हरा सकते हैं। नहीं पानी परी, ये टेररिस्ट लोग क्रेजी होते हैं, इन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती। और अगर उन्होंने बस में कोई बॉम्ब लगा रखा होगा तो हमारी एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ पानी परी, मुझे लगता है विवान सही कह रहा है, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए।
ऐसे सबसे पहले वहां मैं जाऊंगा स्कूल का एक स्टूडेंट बनके, क्योंकि किसी बच्चे को देखकर उन्हें कोई खतरा फील नहीं होगा। बिठाओ इस जॉगर को अपनी हॉट सीट पर। मैं खड़ा ही हूँ। और आप बैठिए ना, आप तो बड़े हैं, आप लोग बाहर धूप में पहरा दे रहे थे। मैं नहीं बैठ रहा, आप बैठिए ना प्लीज। ए बिठा इसे। बाबा नहीं 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 नहीं, अगर आपको किसी को हॉट सीट पर बिठा नहीं है ना तो ये गोपू को बिठाओ। मैं तो डफर हूँ, ये एकदम चालू लड़का है, इसको बिठाओ। तू बताएगा पिछड़। चले नहीं आई, नहीं प्लीज नहीं, नहीं नहीं प्लीज नहीं 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 नहीं। अंकल आपका बम तो दिवाली के फुसकी बम की तरह फुसकी हो गया। तू बताएगा, तेरा दोस्त अभी बम के ट्रिगर पर बैठा है, अगर इसने हिलने की कोशिश की ना तो सीधा सबके सब जाओगे एक साथ ब्लास्ट। बहुत अच्छा उपाय विवान, तुम अभी बस में जाओ। नहीं पानी परी, सारे स्टूडेंट्स को पता है कि आज मेरी बस मिस हो गई थी, और अगर मैं अचानक से दिखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी परी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। बोलो विवान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई दिल से बुला है और बालवीर ना है, ये कैसे हो सकता है? ए, चुप! यहां एक पंछी पर तक नहीं मार सकता, और तुम लोग उस बालवीर को बुला रहे हो जो सिर्फ किस्से और कहानियों में होता है। पानी परी, मैं रेडी हूँ, अब आप भी अपनी स्पेशल ट्रिक दिखा दीजिए। अब गोपू को कोई भी नहीं रोक पाएगा। आई नो गोपू, चिंटू के लिए तो मुझे भी सैड फील हो रहा है। मुझे सैड फील नहीं, फियर फील हो रहा है। फियर तो हम सबको फील हो रहा है, बट स्टे स्ट्रॉन्ग। अरे इस चीज के आगे कुछ भी नहीं स्ट्रॉन्ग है यार। क्या भैया, बहुत तेज आई है। कंट्रोल करो थोड़ी देर। अरे कंट्रोल करूंगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। ए रुक, इधर नहीं, इधर नहीं। तो लेके चले ना, मेरा वाटर बलून फूटने वाला है। ठीक है चल चल बाहर चल। अंकल अब यही रुकना। मुझे शर्म आती है। शर्म आती है, चल जा। हे तोबा तोबा, इतनी देर हो गई। ना तो वो बालवीर आया और ना वो आया। वो, अरे वो क्या नकाबपोश कब आएगा?
थप्पड़ नहीं बच्चा, खून चूस रहा था। अरे गुड़िया, मेरे दोस्त का खून चूसे, मैं कैसे देख सकता हूँ? खुजली तो हो रही है। माफ करना तो हुआ था, तुझे गलत समझा। ए कुजा ना, कुजा कुजा। मच्छर बड़ा मच्छर, खून चूस रहा था। अच्छा अबे ओए, पूरे जंगल में बाढ़ लाएगा क्या? अरे अंकल, नेचर का कॉल है, अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। गिव मी टू मिनट। बालवीर कहो तुम, प्लीज चल जाओ और हमें बचा ले। आ गया। अरे भगवान, यहाँ आ गोकू, फाइनली मिले गए तुम लोग। मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है यार, तू कहाँ से टपक गया? अरे वो बस मिस हो गई थी ना, तो इसलिए टैक्सी बुक करके आ गया। मम्मी मुझे अभी अभी ड्रॉप करके गई है, और मैं ना तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मम्मी को वहीं से वापस भेज दिया। नीचे देख। आपको ना अंकल, गन गन से तो एनिमल्स का शिकार करना भी रॉन्ग बात होती है, और अब हम बच्चों का शिकार करना चाहते हैं, वेरी बैड। पहले 30 थे और अब 31 हो गए। परियो, मैं बस के अंदर पहुंचने ही वाला हूँ, अब आगे का प्लान पूरा करने के लिए आप लोग तैयार रहना। चल चलो, चल को चल। विवान, तुम तो फिरके लेने में एक्सपर्ट निकले, बहुत अच्छे से तुम बस के अंदर घुस गए, ना किसी को पता चला और ना ही किसी बच्चे की जान रिस्क में आई। आज तुमने अपने गुरु का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि विवान और परिया मिलकर इस टेरर सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मैं भी अब निश्चिंत होकर उस पहेली को सुलझाने में ध्यान देता हूं। और ये नए जमाने का जोकर खुद ही चला आया। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को भी ना न्यूज देख लेना चाहिए, कि आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी मिल जाती है। वैसे आपकी टीचर ने सिखाया होगा ना, फिंगर ऑन योर लिप्स सिखाया ना, तो चुपचाप जाके बस में बैठो। जाओ। जोकर तो अब तुम लोग बनोगे और पूरी दुनिया हंसेगी तुम लोगों पर। आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कम से कम पानी तो पी लीजिए। करुणा जी, मेरे चिंटू ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे तो बार बार भूख लगती है। पद्मिनी, कम से कम पानी तो पी लो। कैसे करूं करुणा जी, कैसे पानी पी लो? वहां मेरी बच्ची ने कुछ खाया होगा या नहीं, उन लोगों ने उसे पानी दिया होगा या नहीं, ये भी नहीं पता, तो मैं कैसे कुछ खा पी सकती हूँ? कुछ नहीं खाना है करुणा, मैंने मैं कोई भूख नहीं है, कुछ नहीं खा। देखिए ऐसे आप सब हिम्मत मत हारी। देखिए अब, देखिए माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है, अब आप लोग ही हिम्मत हार जाएंगी तो आपके बच्चों की भी हिम्मत टूट जाएगी। देखिए सिर्फ अपने लिए नहीं, तो अपने बच्चों के लिए कुछ खा लीजिए प्लीज। पानी पी लो। सुतली के लिए प्लीज।
थोड़ी देर के लिए तू बैठेगा यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, आओ यहाँ बैठो ना, मेरा मतलब है आओ मेरे साथ बैठो ना। नहीं विमान, उस सीट पर मत बैठना, वो हॉट सीट है, उसके नीचे बॉम्ब लगा हुआ है। प्लीज विमान, मेरे साथ आके बैठ जाना, ये स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं विमान, विमान सुनता नहीं, फिर नहीं विमान प्लीज मत। थैंक्स विवान, कोई मेरा यहाँ साथ नहीं दे रहा था, सिर्फ तू ही काम आया। अब जैसे ही इसका ध्यान हटेगा, मैं इसे ट्रिगर पर बिठा के अपनी जान बचा लूंगा। फिकर नॉट चिंटू, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चांस मिलते ही मैं खुद तुम्हें इस बॉम्ब से दूर हटा दूंगा। मस्ती बनी, क्या आपको पता चला बाहर और कितने टेररिस्ट हैं? विवान, मैंने सब तरफ देख लिया, यहाँ पर सिर्फ वो चार आतंकवादी हैं और उनके अलावा उनके कोई साथी नहीं। विवान, अब तुम भी बस के अंदर पहुंच चुके हो और हमें पता चला है कि वहाँ सिर्फ चार आतंकवादी हैं। मुझे लगता है कि अब हमें हमला कर देना चाहिए। नहीं पानी परी, जैसा कि मुझे डाउट था, इन लोगों ने बस के अंदर एक बॉम्ब लगा दिया है। क्या? अगर हमने अचानक कोई मूवमेंट की तो पूरी बस ही ब्लास्ट हो सकती है। इसलिए आप लोग मेरे सिग्नल का वेट करिए। ठीक है विवान। ठीक है विवान। विवान, अब टाइम है एक्शन का। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.